मंडे ब्लूज को दूर भागाने आई मई फिर से तुमची स्क्वेअर कट मावशी। अरे इस साल का T20 का सीजन हैव मोर हीट देन दिस ईयर का गर्मी रे, काय बोलायचं आता, घामच घाम। ए पिंट्या, तेरे को क्या हमेशा बोलने को पड़ता है क्या रे? हां चल बजा ट्रम्पेट। हां पे 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 पे, आय शाबाश। हां कल मैं मैच देखने में इतनी बिजी हो गई ना, अरे बाबा तुम लोग से ज्यादा बात ही नहीं कर पाई ना मैं। और करती भी कैसे, अगर इतनी खतरनाक थ्रिलिंग मैच होएंगी तो इंसान सब भूल जाएगा ना रे लोग। एज आई सेड अर्लियर, कल पहले गुजरात और कलकत्ता की मैच एकदम टक्कर होगी और वही छुआ। हां सुदर्शन और गिल क्या बैटिंग किया दोनों ने, वाह वाह वाह, इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि कलकत्ता वालों ने तो टेंशन के मारे ज्यादा रसगुल्ले खा लिए। वेरी फनी है। अब तुम पूछेंगे ये बात मेरे को कैसा मालूम? अरे डू नॉट फियर व्हेन मौशी इज हियर। अरे बाबा मौशी को सब टीम का, सब प्लेयर का, सब प्रॉब्लम मालूम होता है और उसका सॉल्यूशन भी। यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। बजा। मैं फोन उठाई, बोली हेलो मौशी स्पीकिंग दिस साइड, तो फिर उधर से आवाज आई हेलो कक 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 कक। मैं समझ गई ये मेरा एसआर के ही होगा। वो बोला मौशी वो एक्चुअली ना वो इससे पहले वो कुछ बोले मैंने बोल दिया। अरे एसआर के ज्यादा टेंशन नहीं लेने का रे, बॉयज लोग को अपने घर की याद दिला। हाँ उनको फिर होना मांगता है कि अगर उन्होंने ये मैच नहीं जीता ना तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। हाँ मेरा मतलब है 2 पॉइंट गंवाना पड़ेगा ना रे। हाँ उनको सिर्फ एक चीज खिलाओ, क्या बोले तो रसगुल्ला। ओके बाय सी यू। इस बात को वो बॉयज लोग ने एकदम दिल पे ले लिया ना बाबा। फिर जो अय्यर नितेश और रिंकू ने जलवा दिखाया है ना, कि क्या बताऊं मैं तुम लोग को। रिंकू ने बैक टू बैक 6 मारा, कोलकाता को डिसअपॉइंट से बचाया। फिर क्या, अरे रिंकू को सीधा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया ना। हां मैं सांगितलो था कि नहीं। मैंने M&M टॉकीज के स्टोरी में क्विज में पूछा था कि कौन बन सकता है प्लेयर ऑफ द मैच, तो सिर्फ 7 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी लोग आई लाइक द एफर्ट, वेरी गुड कीप इट अप। पर वो क्या है ना, हर कोई मौशी की तरह प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है ना। मग अब करते हैं सेकंड मैच की बात। कल मैच भले ही हैदराबाद जीता हो लेकिन दिल तो हमारे गब्बर एके शिखर ने जीता है कि नहीं। व्हाट एन इनिंग बाय स्कीपर ऑफ पंजाब, ऐसा होना चाहिए स्कीपर, मैं बोलती हूँ। मेरे और ये शिखर में ना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ मैं बता दी ना, जैसे मैं खुद ढोंडू और पिंटिया के साथ फुल मेहनत करके पब्लिक के लिए ताजी ताजी मत चिल्लाती ना, वैसे ही शिखर मैच में लास्ट तक टिक रहा है कि नहीं। हाँ जैसे मैं बिजनेस में प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती ना, एकदम वैसे ही शिखर ने अपनी सेंचुरी पे एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बस अच्छा स्कोर खड़ा करने के बारे में सोचा है कि नहीं, है कि नहीं। हम लोग ये अदर्स इंस्पिरेशन। लेकिन जैसा मैंने बोला ना, हैदराबाद में रमजान के महीने में हलीम ज्यादा चलता है, वैसे ही T20 सीजन में SRH की टीम ज्यादा चलती है। टीम एफर्ट देखा क्या कल, पहले मयंक फिर वो त्रिपाठी, ये दोनों टीनेजर ने जो गेम दिखाया ना, माजा से काली दिल जीत लिया मेरा। हाँ लेकिन इस सब में सबसे यादगार सीन तब हुआ ना जब भूवी ने मैच के पहले ओवर में विकेट ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात SRH को जिताने में लगी हुई है। क्या मस्त खेलते रहे ये सारे प्लेयर लोग। ये बच्चे लोग को देख के ना मेरे आंखों को ऐसा सुकून मिलता है। हाँ अरे चलो बाबा बहुत बड़बड़ हो गई, अब टाइम हो गया मेरे जाने का। हाँ मेरे को सैटरडे और संडे का पेंडिंग काम खत्म करने का है और नया टारगेट भी सेट करने का है ना। हाँ अभी तुम लोग भी काम खत्म करो, नहीं तो ना मंडे का ब्लूज नहीं, मंडे को बॉस जरूर तुमको टेंशन देगा। हाँ हर बार बॉस मौसी की तरह नहीं होता है। चलो नहीं गाता ये तो। Square cut, mouse shape.